हेलो मेरे तो कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप सभी लोग अच्छे होंगे। तो यार आज की वीडियो अपनी काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको ड्रैगन एनिमेशन के बारे में बताने वाला हूँ। तो यार ड्रैगन एनिमेशन के बारे में बताने के अलावा यार मैं आपको और भी एनिमेशन दिखाने वाला हूँ जो अपने गेम के अंदर आए हैं न्यू। और उसके अलावा मैं आपको और भी यार बहुत सारे आइटम बताने वाला हूँ, जैसे यार न्यू ईवो बंडल और भी बहुत आइटम हैं। तो यार मैं आपको है ना धीरे धीरे करके सभी आइटम दिखाऊंगा। तो यार वीडियो को ज़रा से भी स्किप मत करना और यार वीडियो को लास्ट तक देखना, क्योंकि यार वीडियो अपनी काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है। तो यार अभी हम करते हैं वीडियो को स्टार्ट। है वीडियो स्टार्ट करने से पहले यार आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, चैनल पर पहली बार है तो यार चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर लो। सब्सक्राइब के बटन के पास में आपको बेल आइकन का बटन दिख जाएगा, उसको यार आप ऑल पे सेलेक्ट कर लो, ताकि यार कोई भी मैं न्यू वीडियो डालूंगा तो सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा। तो यार चलो अभी हम बिना टाइम वेस्ट के करते हैं अपनी वीडियो को स्टार्ट। है तो जैसे कि मैंने आपको कहा था यार अपने गेम के अंदर न्यू ईवो बंडल आने वाला है। तो यार मैं आपको उसका लुक दिखा देता हूँ कि यार अपने न्यू ईवो बंडल का लुक कैसा होने वाला है। तो भाई अभी आपके होम स्क्रीन पे दिख रहा होगा, ये है अपना न्यू ईवो बंडल। तो देखो यार इसका लुक वगैरह नया मेरे को बहुत अच्छा लगा है। ईवो बंडल ये अपना जो कोबरा बंडल है, बुए बंडल है, तो उससे तो यार कितना ज़्यादा मतलब कि लेजेंडरी लग रहा है दिखने में। तो बाकी जब आएगा तो यार इसके और कौन से कलर होंगे, क्योंकि यार अभी मेरे पास ये दो ही निकल के आए हैं। ये दो भी हो सकते हैं और भी कलर आ सकते हैं, जैसे अपनी ईवो कोबरा और ईवो बुया की भी अलग अलग बंडल है, चार चार कलर हैं। तो यार इसके अभी दो ही कलर निकल के आए हैं, शायद तक और भी कलर आ सकते हैं। तो यार वो चीज़ अभी तक मेरे को पता नहीं चली है। तो चलो अभी हम चलते हैं अपने नेक्स्ट इवेंट की तरफ। अभी आपके होम स्क्रीन पर दिख रही होगी ये ग्लूल की स्किन। तो यार ग्लूल की स्किन भी आपको बहुत जल्दी गेम के अंदर देखने को मिल सकती है। अब इवेंट के अंदर भी आ सकती है और कोई अलग इवेंट के अंदर भी आपको देखने को मिल सकती है। दोनों एक साथ आपको नहीं देखने को मिलेगी, आपको अलग अलग इवेंट के अंदर देखने को मिलेगी। पहले कौन सी ग्लूल देखने को मिल जाएगी, उसके बाद है ना आपको ये सेकंड वाली ग्लूल ये आपको देखने को मिल जाएगी। दोनों एक साथ ग्लूल नहीं देखने को मिलेगी। तो चलो अभी मैं आपको है ना जो अपना न्यू एनिमेशन आया है तो मैं आपको वो भी दिखा देता हूँ। तो भाई जैसे कि आपको पता है अपना गेम के अंदर ड्रैगन एनिमेशन आना अभी बाकी है। पीछे और से एनिमेशन तो आ गया था मैंने, मगर ड्रैगन एनिमेशन अभी तक गेम के अंदर नहीं आया है। तो यार ड्रैगन एनिमेशन के अलावा मेरे पास एक न्यू एनिमेशन भी निकल के है, तो मैं आपको वो भी दिखा देता हूँ कि यार अपना न्यू एनिमेशन है वो कैसा होने वाला है। तो भैया अभी आपके होम स्क्रीन पे दिख रहा होगा, तो यार आप ये वाला एनिमेशन ना एक बार आप चेक करो कि ये एनिमेशन कैसा है। तो भैया ये देखो मतलब क्या है, देखो लाइटिंग सी आ रही है, फिर मेरे को खुद को समझ में नहीं आया यार किस टाइप का एनिमेशन ये। अभी आपने देखा होगा एनिमेशन, तो ये भी मेरे को कमेंट करके बताना कि आपको एनिमेशन कैसा लगा है। तो चलो अभी हम चलते हैं अपने नेक्स्ट इवेंट की तरफ, वो है अपना M4A1 का इमोट। तो भाई देखो मैंने पीछे यार वीडियो बना रखी थी M4A1 पे, मगर मैंने उसके अंदर इमोट नहीं दिखाया था। और मैंने आपको ये भी कहा था मेरे पास यदि इमोट निकल के आ जाएगा तो मैं आपको यार अलग से वीडियो में बता दूंगा। तो भाई मेरे पास इमोट निकल के आ चुका है कि अपना M4A1 का इमोट कैसा होने वाला है। तो यार एक बार आप चेक करो कि M4A1 का अपना यार इमोट कैसा होने वाला है। तो भाई अभी आपके होम स्क्रीन पर दिख रहा होगा M4A1। ओ भाई मतलब कि यार रियली में मेरे को इमोट बहुत अच्छा लगा यार इसका। ये देखो क्या फायरिंग से हाथ में, देखो ये देखो यार, ओ भाई क्या एनिमेशन है यार। तो यार मेरे को आप ये कमेंट करके बताना कि आपको जितनी भी ईवोगन आई है सारे सभी ईवोगनों में से ना आपको कौन सा इमोट सबसे अच्छा लगाया। ईवो फार्मस का आपने इमोट देखा ही हुआ है उसका अच्छा लगा है, M4A1 का मैंने दिखाई दिया और पीछे अपनी ईवोगन आई है, तो उनमें सभी में से यार आपको कौन सा ईवोगन का ना सबसे अच्छा इमोट लगा है, ये चीज़ मेरे को यार ज़रूर कमेंट करके बता देना। तो चलो अभी हम चलते हैं अपने मेन इवेंट की तरफ जो है अपना ड्रैगन एनिमेशन। तो यार ड्रैगन एनिमेशन आपको जून के मंथ में देखने को मिल जाएगा, जून के फर्स्ट वीक में आपको देखने को मिल सकता है, क्योंकि यार मेरे पास यही लिख निकल के आ रहे हैं। और जून के अंदर यार आपको बहुत सारे और भी इवेंट है ना देखने को मिल जाएंगे। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, यदि वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। इस वीडियो को यहीं पे करता हूँ एंड और आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।